लोगे सर स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी? जी सर, स्टॉक पे से भी हम बात करेंगे। इसमें एक स्टॉक है सर, एक्सेल इंडस्ट्री, EXEL सर, EX सर, ऑटोन सिलेज वाला नहीं, EX वाला, एक्सेल इंडस्ट्री जी जी केमिकल EXE, कंपनी हाँ है। जी सर आज थोड़ा सा टूटा हुआ है, बेहतरीन रिजल्ट आया है इसमें सर, 1256 के करीब ये चल रहा है। ईयर ऑन ईयर इसका रेवेन्यू डबल हो गया है ऑलमोस्ट, तो हमें लगता है आज के करेक्शन के बाद कल से आपको इसमें थोड़ा सा अप मूव आते हुए दिखेगा। तो इसी लेवल पे क्योंकि अच्छे भाव में मिल रहा है, 1255 1260 में लीजिए, 1220 मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है 1400 से 1450 का लेवल, मतलब 150 से 200 पॉइंट का लेवल आपको 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन हमें दिख रहा है एक्सेल इंडस्ट्री, आप इसको देख सकते हो। दूसरा एक और स्टॉक है सर, हिमाद्री केमिकल तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम फ्रेम क्या बता रहे हैं सर इसमें? सर, 1 से 1.5 महीना एक से डेढ़ महीना। एक से डेढ़ महीना में और टारगेट्स क्या रखे हैं? सर, 1400 से 1450, 1450 चौदह दो सौ सौ चौदह पॉइंट का सौ मूवमेंट दिख रहा है, 30 पॉइंट का हाँ स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है। एक्सेल इंडस्ट्रीज एक से डेढ़ महीने का टारगेट, वो टाइमलाइन और टारगेट्स आपको बता दिए, 1400 से 1450 के लेवल्स। अच्छा मुनाफा मिल सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं सर। पूरी खरीदारी यही कर लूँ 1257 पे? जी जी पूरी खरीदारी कर सकते हैं, 2% का स्टॉप लॉस है सर, नीचे 2% का स्टॉप लॉस है, ऊपर 10 से लेके 20% का टॉप मूव दिख रहा है। ठीक है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। तो ये आज की जो जो कमजोरी आई है वो फायदा उसका उठा रहे हैं लोकेश जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी करके चले, वापस जो बाजार की तेजी और रिवर्सल में और बाउंस बैक में बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। एक से डेढ़ महीने का नजरिया एक्सेल इंडस्ट्रीज।